हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप भी फिनलैंड जाकर के काम करना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिनलैंड की कुछ एक ऐसी एजेंसीज के बारे में जो कि फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रही है दोस्तों, और उन फॉरेन वर्कर्स को अलग अलग टाइप का वीजा दे रही है, किसी को 1 साल का 2 साल का 3 साल का 5 साल का। अगर आप भी फिनलैंड का वर्क वीजा लेना चाहते हैं दोस्तों, किसी एजेंसी की मदद चाहिए आपको, तो आज की इस वीडियो में जिन एजेंसीज की बात मैं करने वाला हूं दोस्तों, उन एजेंसीज को आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके अंडर अवेलेबल जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ इन एजेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा, बल्कि एक एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर के अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिनलैंड की डिमांड इस समय बहुत ज्यादा है दोस्तों, फॉरेन वर्कर्स में लेबर शॉर्टेज भी अच्छी खासी पड़ी हुई है फिनलैंड में, और फिनलैंड में अभी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है दोस्तों। अगर आप फिनलैंड का वीजा लेना चाहते हैं, सक्सेस रेट अच्छा है, प्रोसेसिंग टाइम अच्छी है, तो भैया आपके लिए जो अभी फिनलैंड बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वहां का वीजा लेना चाहते हैं तो आपको जो है ज्यादा सोचना नहीं चाहिए दोस्तों, आपको जो है फिनलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर देना चाहिए। अगर आप खुद से जॉब सर्च कर करके थक चुके हैं और आप किसी एजेंट को ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं एजेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल मैसेजेस में पूछते हैं सर कि फिनलैंड के किसी एजेंसी के बारे में बता दो सर, किसी ट्रस्टेड एजेंसी के बारे में बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिन भी एजेंसी के बारे में बता रहा हूं, इनमें से किसी भी एजेंसी को मैं नहीं जानता और ना ही मैं किसी एजेंसी की मतलब वो कर रहा हूं, प्रमोशन कर रहा हूं। मेरे को इससे किसी भी टाइप का कोई फायदा नहीं है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं इन एजेंसीज को आप तक लेकर गया हूं दोस्तों कि आपको जो है इन एजेंसीज को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप इन एजेंसीज को कांटेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी, मेरी इसमें कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी, ये चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, अब जो है मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके चलता हूं और आपको बता देता हूं इन एजेंसीज के बारे में। और साथ ही जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि किसी एक एजेंसी की वेबसाइट पर ले जाकर के आपको जॉब्स भी दिखाऊंगा और उन जॉब्स के लिए अप्लाई करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इन एजेंसीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इन एजेंसीज को कांटेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जरूरत पड़ने वाली है कि यूरोपास सीवी और कवर लेटर की। अगर आपके पास वो यूरोपास सीवी और कवर लेटर है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे अपना यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको जो है एक ऐसी वेबसाइट पे लेके आया हूं जहां पर मैं आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में बताने वाला हूं, जो फिनलैंड की 7 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, बेस्ट 7 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है दोस्तों, इनकी जानकारी दूंगा और उनके अंडर अवेलेबल जॉब्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनीज और एम्प्लॉयर्स को जब एक फॉरेन कैंडिडेट या फिर किसी एक एप्लीकेंट की जरूरत होती है तो वो जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज की मदद लेते हैं ताकि वो अपना समय बचा सकें और एक सुटेबल कैंडिडेट ढूंढ सकें अपने अंडर अवेलेबल जॉब के लिए। यहाँ पर आपको यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टीमेटली दिस रिक्रूटमेंट एजेंसी हेल्प बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी कि दोनों लोगों के मीडिएटर का काम करती है एक रिक्रूटमेंट एजेंसी, ताकि एक एम्प्लॉयर को भी जल्द से जल्द एम्प्लॉय मिल सके और एक एम्प्लॉयी जो कि जॉब ढूंढ रहा है कब से, बहुत दिनों से, उसको भी जल्द से जल्द एक एम्प्लॉयर मिल सके। उसके बाद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज। एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है दोस्तों, सबसे पहले बात कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को जब आप हायर करते हैं या फिर उनकी जब सर्विसेज लेते हैं तो सबसे पहले तो इसीलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि उन्हें जो है आइडिया होता है लोकल मार्केट का, उन्हें पता होता है कि मार्केट में कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है, किस सेक्टर में जॉब अवेलेबल है, कौन सा एम्प्लॉयर हायर कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉयर हायर नहीं कर रहा है। इसीलिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज की सर्विसेज जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। अगर आप खुद से जॉब सर्च करते हैं दोस्तों तो आपको इन सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहां पर आप पहला नंबर पॉइंट देख सकते हैं एक्सपर्ट मार्केट नॉलेज, जो चीज मैंने अभी आपको बताई सेम चीज यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो है सेव्स टाइम, यानी कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है आपका समय बचाती है। इस दुनिया में अभी जो है समय बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है दोस्तों, हर कोई समय नहीं देना चाहता आपको, तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द किसी कंट्री में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद तीसरी नंबर की जो पॉइंट है यह है एक्सटेंडेड रीच, यानी कि उनके पास मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे कि उनको पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉयर कहाँ है, कैसे हायर कर रहा है, सारी की सारी जानकारी उनके पास होती है, तो इसीलिए जो है एक्सटेंडेड रीच मिल जाती है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिनलैंड एजेंसी चार्ज कितना करती है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं दोस्तों कि कौन सी एजेंसी कितने चार्ज लेती है, कितना सर्विस टैक्स वगैरह लेती है, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन फिनलैंड फॉर फॉरेनर्स, ठीक है।
ये अगर आप यहाँ पर एजेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एजेंसीज हैं ये बोथ लोकल और फॉरेन वर्कर्स के लिए एप्ट है। अगर आप एक लोकल सिटीजन है फिनलैंड के तो भी आप इन एजेंसीज की हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप एक फॉरेन वर्कर हैं तो भी आप इन एजेंसीज की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, द रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑन दिस लिस्ट आर सुटेबल फॉर फॉरेनर्स एंड ऑल्सो लोकल्स, although some are specially for foreigners, लेकिन इस लिस्ट में कुछ जो है सिर्फ foreigners के लिए हैं। यानी कि आपको इन एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करने से पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपके अंदर स्किल्स और पोटेंशियल है तो आपको बिल्कुल जॉब मिलेगी दोस्तों। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस इन एजेंसीज को पसंद आएंगी या फिर एम्प्लॉयर्स को पसंद आएंगी तो आपको बिल्कुल जॉब मिलेगी दोस्तों। पहले नंबर पर जो एजेंसी है उसका नाम है स्टाफ पॉइंट, दूसरे नंबर पर जो एजेंसी है इसका नाम है ई टैलेंट रिक्रूटिंग, तीसरे नंबर पर जो एजेंसी है ग्लोबल एजेंसी है दोस्तों जिसका नाम है अडीको, चौथे नंबर पे जो एजेंसी है इस एजेंसी का नाम है फिनवर्ड्स, पांचवें नंबर पे जो एजेंसी है दोस्तों इस एजेंसी का नाम है हॉटन इंटरनेशनल, छठे नंबर पे जो एजेंसी है इस एजेंसी का नाम है बरोना, सातवें नंबर पे जो एजेंसी है दोस्तों इस एजेंसी का नाम है इजी। आप इन सभी एजेंसीज की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाकर के जो है अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर एक सीवी और कवर लेटर है तो आप जो है इजीली 2 मिनट के अंदर अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी सपोज मैं जो है स्टाफ पॉइंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चला जाता हूं, तो आपको अगर इनकी वेबसाइट पर जाना है तो आपको इनके नाम पर क्लिक करना है दोस्तों। नाम पर जैसे ही क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे अभी मैंने क्लिक कर लिया दोस्तों, क्लिक करते ही देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अभी देख सकते हैं मैं इनके होम पेज पे आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे ऊपर तो पहले आप देख सकते हैं करियर और जॉब्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पर कुकीज़ वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको जो है ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो एक वेबसाइट है दोस्तों ये पहले जो है फिनिश लैंग्वेज में थी लेकिन अब ये जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है गूगल ट्रांसलेट के जरिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आप जॉब सर्च कर सकते हैं बहुत आसानी से, और नीचे की तरफ और भी इनकी सर्विसेज वगैरह देख सकते हैं, और भी जो मतलब जानकारी मिलेगी आपको इस वेबसाइट की वो सारी सारी इसी होम पेज पर मिल जाएगी। राइट साइड में आप देख सकते हैं ओपन वैकेंसीज का एक ऑप्शन है जिसमें जाकर के आप जॉब टाइटल सर्च कर सकते हैं, रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, वैकेंसी टाइप डाल सकते हैं या फिर एक ओपन एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। वैकेंसी की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ आपको कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी की कैटेगरी है दोस्तों, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर जो है हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी आपके सामने, वेटर शेफ बारटेंडर वगैरह की जॉब्स आ गई हैं। और अगर आपको कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ओपन एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ओपन एप्लीकेशन भेजने के लिए देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरने के बाद, फोन नंबर वगैरह भरने के बाद सीवी कवर लेटर अटैच करके जो है आप यहाँ पर अपना ओपन एप्लीकेशन भेज सकते हैं। साथ ही आप इसी तरीके से बाकी के जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका होने वाला है। ऐसे ही अगर आप किसी और एजेंसी की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, आपको जो है उस एजेंसी के नाम पर क्लिक करना है और उस एजेंसी की वेबसाइट पर पहुंच जाना है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं, किसी एजेंसी की वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो आपको उस एजेंसी की वेबसाइट पर जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आपको जो है सही जगह पर जाकर जॉब्स मिलें, ठीक है। अगर हॉटन इंटरनेशनल है, बरोना है, ईजी है, फिनवर्ड्स है, किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों। सपोज फिनवर्ड्स की वेबसाइट पर अगर हमको जाना है तो मैंने बस इसके नाम पर क्लिक किया दोस्तों, नाम पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे की पूरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, सारी की सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करके जो है एजेंसीज की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो है लिंक एक्सपायर हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी आपको जानकारी मिल जाएगी और इन्हीं में से कहीं आपको जो है जॉब्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको जो है आराम से इस वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों, और आप भी इस वेबसाइट पर अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जिन सभी एजेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया उन सभी एजेंसीज की वेबसाइट पर भी जाकर के आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। जल्दी से बस एक सीवी और कवर लेटर बनवा लीजिए दोस्तों यूरोपियन स्टैंडर्ड का, और फिर वेट करना छोड़िए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। देखा दोस्तों कितनी सारी एजेंसीज अवेलेबल हैं जो कि फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकती हैं और फॉरेन वर्कर्स को सर्विस दे सकती हैं दोस्तों। अगर आप भी इनकी सर्विस लेकर के फिनलैंड जाना चाहते हैं दोस्तों तो वेट करना छोड़िए, जल्द से जल्द मैंने आपको तरीका बताया दोस्तों जिन एजेंसीज के बारे में बताया, इन एजेंसीज की वेबसाइट पर पहुंच जाइए और इन एजेंसीज की वेबसाइट पर जाकर के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप उनमें से हैं जो कि एजेंसीज की हेल्प नहीं लेना चाहते दोस्तों तो आपके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं अगर आप फिनलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उन तरीकों के बारे में जो है दोस्तों हमारे चैनल की वीडियो से पता लगा सकते हैं और फिर आप भी फिनलैंड में अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।